हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल। इसके लिए हमने चावल लिए हैं 2.5 गिलास, जो हमने धो के साफ़ कर लिए हैं। ये हमने लिया है जीरा आधा चम्मच, लौंग 6-7, नमक 1.5 चम्मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चावल बनाना। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने तेल गरम कर लिया है। तेल डाला है हमने करीब 2 चमचा। इसमें हम डालेंगे जीरा, हम इसमें डालेंगे लौंग 5-6, अब हमारे ये लौंग और जीरा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चावल 2.5 गिलास। अब हम इसमें चावल डाल दिए हैं। ये देखिए, मैं चावल को जो है तेल के साथ अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। हम नमक को भी चावल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक कभी चावल को भूनेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे 5 गिलास। ये हमारे 2.5 गिलास चावल हैं, इसलिए हम इसमें 5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास चावल में हम 2 गिलास पानी डालते हैं। हम पानी को चावल हाथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। 15-20 मिनट बाद हम चावल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। हम इसकी प्लेट ढक देंगे इसके ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो चावल है वो 20 मिनट के बाद, हमने 20 मिनट तक उसको पका लिया है। हम देख लेंगे खोल के कि हमारे चावल बने हैं या नहीं। देखिए हमारे चावल जो है बनके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ चावल बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, हमें चावल बिल्कुल खिलवा बनाया है। हमारे चावल जो है बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। ये देखिए, हम थोड़ी मतलब हमने जो चावल को 20 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था। हम इसको जो है थोड़ा खोल देंगे ताकि हमारे चावल जो है बिल्कुल खिलवा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ चावल बनने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल खिलवा चावल बनाए हैं हमने, चिपके नहीं हैं बिल्कुल भी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने चावल को सर्व कर लिया है। सर्व करने के बाद हमारे चावल जो है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और हमने इसमें जो है गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें।